अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से श्रद्धालुओं से भरे हुए ऑटो की टक्कर हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे के शिकार लोग यूपी के रहने वाले हैं। हालांकि हादसा मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ है। यूपी के महोबा, बलरामपुर, फरुखाबाद के ये मृतक बताए जा रहे हैं। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। नेशनल हाईवे 39 पर भीषण सड़क हादसा, जिसमें गई है लोगों की जान और कई लोग गंभीर रूप से घायल। एक सुबह के समय घटना हुई है, जिसमें झांसी खजुराहो हाईवे पर एक ऑटो टैक्सी उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ है, और उसमें जो भी लोग थे, अभी तक 7 लोगों की उसमें डेथ हुई है और बाकी लोग घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। कहां से कहां जा रहे थे? कितने लोग थे? इसमें 13 लोग कुल टैक्सी में थे और ये लोग महोबा रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम तरफ जा रहे थे। और आइए बढ़ते हैं आगे, शाहजहांपुर से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर ऑटो ड्राइवर ने महिला से छेड़छाड़ की है। इसके बाद लड़की खुद को बचाने के ऑटो से कूद गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ लड़की के साथ जो छेड़छाड़ हुई, अपने आप को बचाने के लिए वो चलते ऑटो से कूद गई और पास के घर में घुसकर उसने अपनी जान किसी तरह से बचाई है। इस दौरान ऑटो चालक लड़की के 2 मोबाइल लेकर फरार हो गया। थाना रोजा इलाके की ये घटना है, जहां ऑटो ड्राइवर ने दवाई लेकर घर जाने के लिए ऑटो में बैठी हुई युवती के साथ छेड़छाड़ की। नेशनल हाईवे में किनारे उसने ये ऑटो लगाया और सुनसान जगह पर उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे मारा पीटा भी गया। इतने में लड़की चलते ऑटो से छलांग लगा के घर में घुसकर उसने अपनी किसी तरह से जान और इज्जत दोनों बचाई। ऑटो चालक युवती का मोबाइल छीनकर भाग गया है, 2 मोबाइल फोन लेकर भागा है। पीड़िता की मां ने थाना रोजा में अज्ञात ऑटो ड्राइवर के साथ ही 3 और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वो डॉक्टर से दवा लेने के लिए शहर में गई हुई थी और वापस आने के लिए उसने ऑटो किया। ऑटो वाला घर पर न ले जाकर गलत रास्ते पर ले जा गया और उसके द्वारा उसे छेड़खानी का प्रयास किया गया। उसके 2 मोबाइल लेकर फरार हो गया है। उनकी तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनके द्वारा यह भी शक जताया गया है, इनकी पूर्व में अनस और बिट्टू नामक 2 व्यक्तियों से दुश्मनी चल रही है, जिसमें आपस में इनके द्वारा मुकदमे भी दर्ज कराए जा चुके हैं। उन पर घटना किराए जाने का शक किया गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बहुत जल्दी घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। और ये बढ़ते हैं आगे, हरदोई की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पाली थाना इलाके के हसनापुर गांव की है। तनाव की स्थिति जो यहां बनी वो भी आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई में लापता हुए एक शख्स का शव तालाब में बरामद किया गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर गांव के पास का है। महेंद्र प्रजापति देर रात घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश की गई। गांव में तालाब के पास महेंद्र की साइकिल और चप्पल बरामद हुई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब में तलाश की तो महेंद्र का शव बरामद हुआ। शव बरामद होते ही ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट चुकी है। रात 1 बजे गांव के कुछ लोगों के साथ पोखरे के किनारे चबूतरे पर शराब पिया, उसके बाद से वो नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमशुदा की सूचना दर्ज करते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा उसकी तलाश पतारसी की जा रही थी। इस दौरान गांव के ही तालाब किनारे उसकी साइकिल और चप्पल प्राप्त हुआ। इस आधार पर तालाब में तलाश कराई गई तो गुमशुदा महेंद्र प्रजापति का शव बरामद हुआ है। उधर लखीमपुर खीरी में काला नाग रसोई में घुस गया। पलिया कोतवाली क्षेत्र के तेहरा मोहल्ले की यह घटना तस्वीरों के साथ आपको बता रहे हैं। काले नाग को रसोई में देखकर घर में रहने वाले लोग दहशत में आ गए और भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद
नागदेव को पकड़ा गया और उनका रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया।